सिखांचे आद्य गुरु गुरु नानक देवजी महाराज यांच्या 550व्या प्रकाश पूरब वर्षानिमित्त नाशिकच्या गुरु नानक देवजी सेवा असोसिएशन आणि गुरु गोविंद सिंग फाउंडेशनच्या वतीने शिंगडा तलावाजवळील अग्निशामक दल कार्यालयाच्या प्रांगणात सरबत वाटप करण्यात आले. आज रमजान ईद निमित्त मुस्लिम बांधवांना ईदच्या शुभेच्छा देत सरबत वाटप करण्यात येऊन राष्ट्रीय ऐक्याचे दर्शन घडवले. या प्रसंगी उपस्थित असलेल्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी या उपक्रमाचे स्वागत करीत शुभेच्छा दिल्या. पूर्ण होता है नोव्हेंबर मध्ये आणि त्या निमित्ताने गुरु गोविंद सिंग फाउंडेशनच्या माध्यमातून आज रमजान ईदचा हा सण साजरा करत असताना सगळ्या मुस्लिम बांधवांना शरबत देऊन त्यांचं स्वागत करण्यात येत आहे. आणि 550 वर्ष गुरु नानक जयंतीला पूर्ण होत असताना वर्षभरामध्ये गुरु गोविंद सिंग फाउंडेशनच्या माध्यमातून समाज उपयोगी समाजाला जोडणारे सर्वधर्म समभाव या हेतूने अनेक कार्यक्रमांचं नियोजन करण्यात येत आहे. आणि त्याबद्दल मी गुरु गोविंद सिंग फाउंडेशनचे सर्व पदाधिकारी यांच्या मनापासून आभार मानते. सर्व नाशिककरांच्या वतीने त्यांना धन्यवाद देते. यावेळी आमदार देवयानी फरांदे यांचा आयोजकांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. गुरु गोविंद सिंग फाउंडेशनच्या या उपक्रमाचे एका मुस्लिम बांधवाने स्वागत केले. ये तारीफ काबिल है, इससे बड़ा एक संदेश जा रहा है अपने हिंदुस्तान में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में अपन और भारत की तरक्की में सबका योगदान रहेगा. और मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ गुरु गोविंद स्कूल फाउंडेशन की तरफ का और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. या प्रसंगी उपस्थित मनमित कौर चौधरी, रविंद्र कौर पनफेर, रेणु बिरदी यांनी मनोगत व्यक्त केले. अर्जन देव जी ने शहीदी गुरुपर्व के ऊपर शबी लगाई है, जिसका कारण है सबको शांति देना, सबको ठंडक पहुंचाना, सबके विचार होंगे. और आज ईद के स्पेशल मौके पर हमने ये छबील का इंतजाम किया है, जिसमें काफी हमको रिस्पांस मिला है. लोगों ने काफी गर्मी से ठंड पाने के लिए हमारी छबील को एक्सेप्ट किया है और ठंडा ठंडा पानी पी के हमको ठंडी दुआएं दी है, ब्लेसिंग दी है. और गुरु नानक जी का जो संदेश है वो सब लोगों के आगे बाद जब उन्होंने गुरु जी की हालत देखी तो वो बहुत दुखी हुए, रो पड़े. तो उन्होंने मीठे जल का जो एक लेके गए थे साथ में पानी, वो उनके आगे रखा, लेकिन गुरु जी ने वो पीने से मना कर दिया. वो बोले कि मैंने प्रण लिया है कि चंदू के घर का पानी भी नहीं पीना. इससे उनकी जो बहू थी वो बहुत दुखी हुई. वो कहते तो दुखी मत हो, ये पानी मेरे मुख से नहीं, लेकिन एक समय आएगा कि यही तेरी सेवा की हुई जो है वो सफल होगी. हजारों लोग दुनिया के ये पानी, करोड़ों लोग ये पानी पिएंगे और वो ठंडक पहुँचाएंगे. तो उसके बाद उन्होंने ये वचन उनसे लिया कि चलो ठीक है. और उसके बाद बीच में कट कर देना, उसके बाद ये है कि यही कारण है कि ठंडे पानी की छबील जो है वो लगाई जाती है. ये गुरु गुरु नानक देव जी के इक्वल राइट्स टू वुमेन्स ऑल्सो. ही सेड सो क्यों मंदा आखिए जिस जमे राजा, जिसने भाई लेडीज को भाई इंपॉर्टेंस दी हुई है भाई इक्वलिटी, जिसका आपको लाइव एग्जाम्पल इधर मिल रहा है कि भाई लेडीज दे आर भाई शोल्डर टू शोल्डर को हेल्प कर रहे, सर्व कर रहे छबील लंगर सब भाई जी का काम सर. गुरु गोविंद सिंग फाउंडेशन से कार्यकारी अधिकारी परमिंदर सिंग यांनी अधिक माहिती दिली. प्रकाश पूर्व बड़े ही धूमधाम से सारी दुनिया में मनाया जा रहा है और नासिक में भी सात संगत ने इकट्ठा होकर इसके लिए बहुत बड़ा उपराला किया हुआ है. आज का दिन सिंगड़ा तलाव पे शबी लगाई गई है, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है जो हमारे मुस्लिम भाई है, जिन्होंने आज नमाज पढ़ के जब वापस घर जा रहे थे तो उन सबको ठंडा जल पिलाया गया. ये एक सिख इतिहास का उपदेश है, एक सीखा है हम लोग कि हमने बाकी धर्मों को भी रक्षा भी करनी है और उनका सत्कार भी करना है. तो ये शबील आज सिंगड़ा तलाव पे लगाई गई है, कल इंदिरा नगर में लगाई जाएगी, परसों हर गुरुद्वारे में की जाएगी और शनिवार को हम लोग पंचवटी करंजे पे शबील लगाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है. इसके बाद 23 तारीख को सारे सिख समाज जो नासिक के इनके जो हमारे लेडीज है, बहनें हैं, माएँ हैं, ये लोग एक मिलके एक शांति के प्रति एक रैली निकालने वाले हैं, जो कि नासिक रोड गुरुद्वारे से निकल के पंचवटी सिंगड़ा तलाव गुरुद्वारे तो है पंचवटी तक जाए. और इसका उद्देश्य यही है कि हम सब
समाज के लोगों को, सब नासिक भाइयों को ये दर्शाना चाहते हैं कि भाई हम सब एक हैं और सबने एक साथ मिलके हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कुलवंत सिंह बग्गा, गोल्डी किर, बलबिंदर सिंह चौधरी, अमरजीत पाल सिंह रेखी, हरमिंदर सिंह सिबल, जतिंदर सिंह गुजराल, हरमीत सिंह बसूर, हेमंत झांबरे, कोमल बग्गा, मनमित कौर चौधरी, डॉली राजपूत, रविंद्र कौर पनफेर, इंद्रजीत सिंह घटोडे, गुरु गोविंद सिंह फाउंडेशनचे कार्यकारी अधिकारी परमिंदर सिंह, रघुवीर सिंह सलुजा आदी उपस्थित होते। कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी गुरु गोविंद सिंह फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि शिक्षकांनी परिश्रम घेतले। नाशिक सिटी न्यूजसाठी प्रतिनिधी देविदास पाटील, नाशिक।